हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज हम बात करेंगे कॉल बैक के बारे में। कॉल बैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होते क्या है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश्ड। एक फंक्शन जब अपना लॉजिक बिल्ड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तब भी दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन के कंप्लीट होने पे दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी होती है एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन पे। ठीक है, और जावास इसमें क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन जो होता है उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं दूसरे फंक्शन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ग्रीट फंक्शन है, एक मेरा ग्रीट का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने नेम पास किया है एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड मैंने पास किया एज अ कॉल बैक फंक्शन नेम। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है कॉल बैक, एज अ कॉल बैक मैंने पास किया से गुड बाय वाला। ठीक है, तो जब मेरा ग्रीट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया, कॉल बैक। कॉल बैक में जो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन का नाम क्या है, गुड बाय। तो ये कॉल बैक जब मैंने पास किया तो ये दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कॉल बैक के अंदर अब मान लो कि आपने कोई, सपोज मान लो कोई यूज़र की API है, राइट। तो आपने क्या किया, एक यूज़र से पहले क्या किया, यूज़र का पहले लॉगिन किया। तो मान लो कि फर्स्ट में आपने क्या किया, यूज़र लॉगिन किया। ठीक है, यूज़र लॉगिन करने के बाद अब कॉल बैक आपने पास किया कि मेरे को चाहिए कि यूज़र की ID पे मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स लेकर आऊँ। ठीक है, तो कॉल बैक के अंदर मैं यूज़र की ID रिटर्न कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर उस यूज़र की ID पे एक नया API कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो एक API की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है। अगर मुझे पहले लॉगिन करूंगा नहीं तो मुझे यूज़र की डिटेल्स या प्रोफाइल डिटेल्स नहीं मिलेगी यूज़र ID के बिहाफ पे। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी है। तो उस केस में जब एक API की डिपेंडेंसी दूसरे पे होती है तो आप कॉल बैक फंक्शन ईजिली यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बड़े केसेस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे इनबिल्ट में एक दो फंक्शंस, एक दो API के अंदर ये इजीली यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मैंने बनाया हुआ ये फंक्शन देख लो, इसमें क्या था, मैंने ग्रीट लिखा, जॉन लिखा, इसमें मैंने क्या किया, ग्रीट वाले फंक्शन में हेलो नेम प्रिंट कराया, फिर मैंने कॉल बैक में क्या रिटर्न कर दिया, जो नेम था वही रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो वही नेम मैंने क्या कर लिया, से गुड बाय, ये कॉल बैक था, कॉल बैक का नाम क्या मेरा, गुड बाय। तो गुड बाय के फंक्शन के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, नेम पास करके उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, कंसोल कर दिया। ठीक है, तो आप देख लोगे यहाँ पे, जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे हेलो जॉन आया, गुड बाय जॉन भी आ गया। तो मतलब कि जो रिटर्न, जो मैंने फर्स्ट मेरा फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट कंप्लीट हुआ तो मैंने इसको कॉल बैक भेज दिया, कॉल बैक में मैंने एक वैल्यू भेज दी और उस वैल्यू को मैंने नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ कर लिया। सेम चीज़ है, यहाँ पे मैं एक API कॉल करूँगा लॉगिन वाली, लॉगिन से यूज़र ID लूँगा, इसमें यूज़र ID भेज के उसकी प्रोफाइल डिटेल्स गेट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक फंक्शन की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर, दूसरे से कॉल बैक मांगा, जब एक बार रिटर्न हो जाएगा तो दूसरे वाला उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो मेन जो लाइन है इसकी वो है, कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश्ड। ठीक है, एक के बाद ही चलेगा, उस पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि सपोज मान लो कि अब क्या कहते हैं, अब बीच में कोई फंक्शन एग्जीक्यूशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, ठीक है, चलाने बीच में, तो उस केस में क्या होगा, क्या सिनेरियोज आएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉल बैक हेल हो जाता है, जो कि मैं आपको कमिंग सीरीज में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली कॉल बैक हेल इज। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।